नमस्कार। चलिए आज मेथी के लड्डू बनाते हैं। मेथी और इसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए मेथी के लड्डू बनाते हैं। लड्डू खाने से गर्म होता है शरीर, कमर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, जहाँ भी दर्द हो, हड्डी में भी दर्द हो, वो सब दर्द दूर कर देता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जब ज़्यादा ठंड पड़ता है नवंबर दिसंबर में, तब ये लड्डू इस तरीके से बनाकर आप खा सकते हैं। तो ये मेथी को मैंने पीस लिया बिल्कुल बारीक और इसमें दूध डाल दिया। दूध डालकर मैं इसको 2-3 घंटे के लिए मैं ढककर छोड़ दूँगी, जिससे फूलकर अच्छा तरह से ये तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैं दूध अच्छे से मिक्स कर लिया, इसको फूलकर एकदम 3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। मेथी बिल्कुल, दूध बिल्कुल अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसका बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू। तो अच्छी तरह से फूल गया, हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिया है और मैं कढ़ाई चढ़ा ले रही हूँ, इसमें घी डाल दे रही हूँ। और सबसे पहले गोंद को मैं भून ले रही हूँ, मैं गोंद को भून ले रही हूँ अच्छी तरीके से। तो घी मैंने 2 चम्मच डालकर गोंद को मैं भून कर निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। प्लेट मैंने गोंद को निकाल लिया, ठंडा होने के लिए मैं रख दे रही हूँ एक प्लेट में। इसी में इतना ही 2 चम्मच और घी बच गया है। इसमें आटा को मैं डालकर अच्छे से मैं भून ले रही हूँ। इतना आटा को भूनना है जिससे इसे कच्चापन निकल जाए, ज़्यादा लाल नहीं करना है, जलाना नहीं है। फिर आटा को मैं भून कर मैं पलट लिया। अब इसमें मेथी जो मैंने रखा था पीस कर वो भी इसमें डाल दिया है और 4 चम्मच मैंने घी डाला है इसमें, बड़ी चम्मच से। अच्छी तरह से घी इसको भी भून कर दानेदार मैं निकाल ले रही हूँ। इधर मैं भून कर इसको भी रख लिया है। अब इसे मैं गोंद को क्रश कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं क्रश कर ले रही हूँ, जिसे अच्छी तरीके से अलग हम कोई बर्तन में क्रश नहीं, फैल जाएगा। तो इसी में मैं क्रश कर ले रही हूँ प्लेट ही में। और आटा में भून कर मैं पतीले में डाल लिया। अब इसमें गोंद में डाल दे रही हूँ। तो आप एक गुड़ को भी इसी तरीके से बना सकते हैं चीनी को। तो आज मैं चीनी वाला बनाऊँगी, गुड़ वाला मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें अब मैं सारे ड्राई फ्रूट इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ अच्छी तरीके से। इसमें देखिए मेथी जो मैं दानेदार बिल्कुल भून लिया था, और ये कुछ नारियल जो था उसको भी मैंने भून कर हल्का दरदरा पीस लिया है, इसके अंदर मैं डाल दे रही हूँ। और इसमें अब चीनी के भूरा बना कर खाता, आप अगर चीनी भूरा नहीं रखने का आपका मन है तो आप साबुत चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। चीनी वाला भी बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको भूरा बनाने नहीं आता है तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, या आप चाहे तो मिक्सी में ही पीस डालकर पी सकते हैं, ये तो इजीली है। और सभी चीनी को भूरा को अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा घी इसमें डाल दिया है, घी मैंने 1 कप मेल्ट करके इसमें डाल दिया है। और अच्छी तरह से मिक्स में कर दे रही हूँ सभी चीज़ों को डालकर। इसमें इलायची भी मैंने डाला है, और देखिए मैंने इतना घी डाला है कि अच्छी तरीके से ये बंधना, ये देखिए मैं अच्छे से मसल मसल कर सारी चीज़ को एक दूसरे में एब्जॉर्ब कर दे रही हूँ, जिससे एक दूसरे से अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इससे मेथी का लड्डू बहुत, गोंद के लड्डू बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। खाने में बहुत टेस्टी होता है। जिनके बच्चा होने वाला है, हो गया है उनको इस तरीके से लड्डू बनाकर दिया जाएगा तो उनके कमर दर्द,